अब आ जाते हैं कोविलेंट बॉन्डिंग पे ठीक है ये भी आपको अच्छा खासा आता ही है इसमें और मजीद जो डिस्कशन होती है जॉय कोवलेंट सिंपल मुलेक्लर वो हम थोड़े दिनों में करेंगे या हो सकता है कल ही हमारी डिस्कशन हो जाए इतना अगर हम जल्दी कर लें ठीक है बट थोड़ा सा हम उसको पॉज रखेंगे आयोनिक का तो मैंने आपको बता दिया जायंट है मेटालिक का मैंने आपको बता दिया जाइंट ठीक है जी अब हम कोवलेंट बॉन्डिंग डिस्कस करें तो हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में आपको क्या क्या पता है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर के वो जॉयंट है सिंपल मेलेक्र उसको छोड़ने के अलावा और क्या क्या आपको बातें पता है क्या होती है ठीक you know so so है, है और कुछ हमें पता है लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकते हैं इनकेस दे

वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है यहां से भी वो भी अट्रैक्ट कर रहा है राइट एंड दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड इसको कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड ठीक है तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है फॉर्मड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा आपके पास और न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है उनको खींचता सो दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ठीक है तो ये लिख लेते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लिया एंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ठी? और जैसे आप लोगों ने बोला सर ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं क्यों बिकॉज चाहते हैं म्यूचुअली दोनों की ऑक्टेट अचीव हो जाए ठीक है और ये ज्यादातर कहाँ होता है नॉन मेटल्स में होता है राइट बिकॉज नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो लूज करने से बजाय क्या करते हैं एक दूसरे हाथ शेयरिंग कर लेते हैं एंड दे अचीव ऑक्टेट म्यूचुअली दैट इज मच मोर फेवरेबल टू देम इन ऑफ वन कंप्लीटली लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गिविंग इट टू दी अदर स्पीशीज तो दोनों कहते हैं यार एक एक रख लो शेयर कर लेते हैं अब म्यूचुअली कर लेते हैं हमारा ऑक्टेट भी complete, आपका ऑक्टेट भी ठीक तो ये नहीं कर सकता क्या कर सकता है um, और जो प्रॉपर्टीज है वो सारी वो आएंगी वेन यू गेट इन टू स्पेसिफिक डिटेल्स विद रिगार्ड टू जाइंट स्ट्रक्चर है या सिंपल मेलेक्यूलर स्ट्रक्चर ठीक है और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ठीक है एंड जो स्टेट्स ऑफ मैटर वाली चीज है वो हम इसी केमिकल बॉन्डिंग में कवर कर लेंगे अच्छा लास्टली इन वाटर लिखा हुआ है कुछ सोल्यूबल भी होते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्कोहॉलोलेंट मॉलिक्यूल दैट इज सोल्यूबल इन वाटर लेकिन में फॉर एग्जाम्पल आप कहें मुझे तो यूजुअली इन्सोलूबल होते हैं दिस इज अ

लेकिन दीज आर स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए ठीक है टू शेड पेयर अब्दुल रहमान कह रहे हैं दो शेड पर पेयर होता है सर एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हुए होंगे सही है जी एंड वी आर बीइंग टोल्ड कि भाई सर देखें टू बॉन्ड्स होते हैं आपके पास इस तरीके से और बाकी फिर क्या होगा बाकी फिर आपके पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे

कम गंदगी इसमें ज्यादा हो ठीक है नहीं मतलब इसमें कम गंदगी होगी अच्छा एक के अगर आपने क्रॉस से दिखा दिए तो लाजिमन इसका ख्याल रखिएगा कि दूसरे के डॉट से ही दिखाएं ठीक है नहीं एंड एग्जामिनर वांट्स टू मेक श्योर कि आपको ये पता हो ठीक है आई होप ऑक्सीजन के उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो कैन यू गाइस टेल मी दी बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स होते हैं और फिर कितने रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिसको ये समझ में नहीं आता है या किसी को अगर ये क्लियर नहीं है कि हमें कैसे दिखानी होती है इसमें और कैसे क्या हो रहा होता तो वो मुझे अभी बताए सो नाइट्रोजन का मुझे बोला जा रहा है कि सर दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे सॉरी दो नाइट्रोजन के एटम होंगे एंड दीज विल बॉन्ड्स और थ्री बॉन्ड्स है नाइट्रोजन इज इन ग्रुप फिफ्टीन ठीक है नाइट्रोजन इज इन ग्रुप फिफ्टीन यानी इसके पास पांच बेलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर इसने तीन शेयर कर दिए तो इसके पास कितने बचेंगे इसके पास दो बच जाएंगे और दूसरे वाले के पास भी दो बच जाएंगे ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को ये अगर समझ नहीं आता कि तीन क्यों है इसमें ठीक है उसमें दो क्यों है इसमें एक क्यों है इज दैट दैट इफ यू हैव एनी कोई भी कंफ्यूजन है विद रिगार्ड टू तो मुझे अभी बताओ सो दैट वी डोंट प्रोग्रेस फॉरवर्ड्स के कोई बच्चा इसको ये चीज समझ में ना आए यू डोंट गेट द नाइट्रोजन वन अच्छा अभी हा नाइट्रोजन का देखो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है पीरियॉडिक टेबल में नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है इट इज इन ग्रुप फिफ्टीन ठीक है फिफ्टीन का मतलब क्या हो गया अभी इट्स गोइंग टू हैव हाउ मेनीट्रॉन्स फाइव ठीक है अभी अगर मैं बोलू इसको आपने जो है वो स्टेबल बनाना है

कार्बन डाइऑक्साइड हाउ शुड आई ड्रॉ दी स्ट्रक्चर हाउ ये बता दो कार्बन और के बीच में कितने -कितने है, क्या हो रहा है? ठीक है? तो again, ठीक है कुछ भी मुश्किल नहीं है दीज आर वेरी इजी CO2 है CO2 टू इज लाइक दिस कार्बन बीच में ऑक्सीजन इधर एक और ऑक्सीजन दूसरा इधर ठीक है ये मैंने बना दिए दोनों

और इसका मतलब यह है कि इसके पास six valence electrons होंगे। अगर आपने इसको एक stable में convert करना है, आपको दो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो ऑक्सीजन कितना शेयर करेगा ऑक्सीजन को भाई बस दो ही चाहिए तो वो दो ही की शेयरिंग करेगा उससे ज्यादा फालतू में फ्री नहीं करेगा कार्बन को राइट सो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन अपने शेयर करेगा दो कार्बन अपने दो शेयर कर देगा राइट right? और इधर से भी ऑक्सीजन यहाँ से भी ये दो शेयर करेगा और यहाँ से भी शेयर करेगा ठीक है सो कार्बन को जो चार चाहिए थे वो उसको ऑक्सीजन से मिल गए इधर उधर से और ऑक्सीजन को तो दो दो चाहिए थे वो कार्बन ने शेयर करके दे दिए सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी ओ टू और बाकी रह जाने वाले कितने होंगे uh, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार ठीक है अब देख रहे होंगे

अब ये बाकी सारी भी डिस्कस कर लेते हैं एंड देन है जी अच्छा, अमोनिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर इसकी बॉन्डिंग इसका सब कुछ हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए ठीक है तो अमोनिया में क्या होता है हाउ मेनी बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन

कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है ठीक है दूसरी बात अब देखा होगा कुछ डिफरेंट है from the Different क्या है? है ठीक का बना रहा था हाइड्रोजन में दोनों के सेम साइज हैं ऑक्सीजन बना रहा था ऑक्सीजन में सेम साइज राइट बट फॉर एग्जाम्पल जब मैंने मुझे पता है हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉलर देन वेरी मच देन देनाइट्रोजन तो इसकी डिस्टिंक्शन आपने क्लियर रखनी है जो चीजें बड़ी है वो चीजें बड़ी दिखाएंगे जो है, उसको आप छोटा ही दिखाएंगे ठीक है नाइट्रोजन ने अगर तीन बॉन्ड बना लिए है है तो उसके उसके पास पास बाकी बाकी कितने बचेंगे बचेंगे जो है वो दो ठीक वेरी इंपॉर्टेंट ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड लाइड पढ़ने वाले हैं ये क्या होता है सी एच फोर नीथेन वन सेगेंड प्रोटीसिम्पल कार्बन है ठीक है कार्बन को चार चाहिए होते हैं बॉन्डिंग के लिए इसलिए जो है वो चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है अब एंड And... स्ट्रक्चर इंग टू बी समिंग लाइक दिस वंस अगेन साइज का ख्याल रखना सिंगल बॉन्ड है ये सारे कार्बन के पास चार बॉन्ड्स होते हैं सॉरी चार इलेक्ट्रॉन को चार और चाहिए होते हैं तो वो चार हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेता है तो उसके पास उसका भी ऑप्टेट कम्प्लीट हाइड्रोजन का भी टू प्लेट कम्प्लीट ठीक है सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सो फॉर एग्जाम्पल सी टू एच सिक्स इज गोइंग टू बी समिंग लाइक दिस सी so C, C, ये दो कार्बन आ गए हैं और हर कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन होंगे सो देर इज थ्री हाइड्रोजन ऑन दिसर इज थ्री हाइड्रोजन ऑन दिस ठीक है बाय द वे मेरे जो है वो गोले ऑब्वियसली इन दिस सॉफ्टवेयर बड़े प्यारे नहीं बनते हैं एंड इनफैक्ट आप भी आपको भी ऐसा नहीं करना की बिल्कुल परफेक्ट प्यारे स्पेयर बना के आने ड्रॉइंग शुड बी रीजनेबल ठीक है रीजनेबल होनी चाहिए साफ सुथरी होनी चाहिए एग्जामिनर को नजर आ जाए कि भाई आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो तो दैट्स गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर हिम एंड यू बट अवॉइड कार्टिया ऑन अवॉइड ऑल ऑफ दिस पेन से नहीं बनाना कभी भी आ जाए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम हमेशा पेंसिल ही से बनाना ठीक है पेन से बनाओगे कोई गलती हो गई फिर काटने जाओगे तो सारा पेज गंदा हो जाएगा ठीक है सो कार्बन और कार्बन के बीच में भी चार बॉन्ड्स दो कार्बन ने शेयर कर लिए ठीक है जी और बाकी उन्होंने तीन हाँ शेयर इसके चार चाहिए थे हो गया इसका चार कंप्लीट इनको दो 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 चाहिए थे इनका भी हो गया इसका भी हो गया सब कुछ ठीक है इसी के अलावा वी हैव है ठीक इथीन क्या होता है इथिन होता है अलगिन और इसमें क्या होता है इसमें होता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ठीक है कार्बन और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या होगा इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और बाकी जो है इसके ऊपर दो हाइड्रोजन होंगे सो दो हाइड्रोजन एंड इसके ऊपर भी दो हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन सो इट्स गोइंग टू हैव सिंगल विद द हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएंगे हेलोजेंस होंगे फॉर एग्जांपल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी सिंगल बॉन्ड्स बनाएंगे ऑक्सीजन हैज द टेंडेंसी इट यूजली फॉर्म डबल बॉन्ड

मैं इससे भी ऊपर की दूंगा और वो उसके हम पासपोर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना एनी प्रॉब्लम विद डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ठीक है आई होप दिस इज क्लियर इसीलिए मैंने ये सब जल्दी जल्दी भी करा दिया बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट टू मच टाइम हो किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो